हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी दोनों का एग्जाम है दुर्गापुर स्टील प्लांट का 13 अप्रैल 2024 को, यानी कि कुछ ही दिन बचे हैं आप लोगों के एग्जाम में। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा एंड आपका एग्जाम शहर कौन सा है उसके हिसाब से अपने ट्रैवल का टिकट वगैरह कर लिया होगा। लेकिन एग्जाम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझना बेहद जरूरी है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में हूं एंड यहां पर आप लोग देखोगे तो डाउनलोड सेक्शन में आप लोग जाओगे तो यहां पर आप लोगों को मिल जाता है दुर्गापुर स्टील प्लांट का एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। साथ ही साथ इन्होंने एडमिट कार्ड का नोटिस ऑलरेडी पहले डाल दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लॉग इन करके अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा रहे होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी तो कितनी होगी एंड साथ ही साथ किस प्रकार आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को इस टाइम पर करनी चाहिए, क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से है। यदि मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं तो रिक्रूटमेंट में मैनेजर मैकेनिकल की पोस्ट थी, मैनेजर मेटलर्जी की पोस्ट थी, मैनेजर केमिकल की पोस्ट थी, मैनेजर सिरेमिक्स की पोस्ट थी। इसी प्रकार यदि आप लोग नीचे आओगे, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की पोस्ट थी। साथ ही साथ अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की बात करें, इलेक्ट्रीशियन फिटर एवं मशीनिस्ट की पोस्ट को इन्होंने ओपन किया था। अब यहां पर आप लोग देखोगे इंफॉर्मेशन हैंगआउट में, यहां पर चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी। सबसे पहले एग्जाम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं कि किस प्रकार आप लोगों को अपने एग्जाम को बेसिकली अटेम्प्ट करना है, क्योंकि गाइस सबसे महत्वपूर्ण है कि आप लोग अपने एग्जाम को सही तरीके से अटेम्प्ट करो। मान के चलो आपने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन करी है लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोगों ने सही तरीके से परफॉर्म नहीं किया तो वो प्रिपरेशन कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि आपका मायने क्या है कि आपने एग्जाम हॉल में कितने मार्क्स का एग्जाम पेपर को करेक्ट किया उसके बिहाफ पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने माइंड को स्टेबल रख के अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, और उसके लिए भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले आप लोग किस सेक्शन को हल कर रहे हो, किस प्रकार अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते आ रहे हो। अब देखो, क्वेश्चन पेपर की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर टोटल प्रश्न आप लोगों के होंगे वो 100 प्रश्न टोटल पूछे जा रहे होंगे और उसके लिए जो समय आपको मिलेगा वह 120 मिनट का समय मिलेगा। अब यहां पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यानी कि 75% क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से होंगे, यानी कि यदि आप लोग फिटर ट्रेड से एग्जाम पेपर को दे रहे हो तो फिटर ट्रेड के क्वेश्चन होंगे, यदि इलेक्ट्रीशियन से दे रहे हो तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन होंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या यहां पर निगेटिव मार्किंग है तो उस चीज को यहां पर फोकस करना बेहद जरूरी है। एंड एक और चीज यहां पर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, टोटल 120 मिनट का समय है। एंड एक और चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, यहां पर इन्होंने बोला कि आउट ऑफ द 5 आंसर टू अ क्वेश्चन ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि आप लोगों का एक प्रश्न होगा, उस एक प्रश्न के 5 ऑप्शन बेसिकली ये लोग दे रहे होंगे आपके एग्जाम पेपर में। तो यहां पर और ज्यादा अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां पर 4 ऑप्शन है वहां पर आप लोगों का प्रोबेबिलिटी क्या है कि 25% आप लोग करेक्ट करोगे यदि क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है उस सिचुएशन में जब आप लोग तुक्का लगाते हो। लेकिन जहां पर 5 ऑप्शन है वहां पर प्रोबेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है। तो ऐसे में किस प्रकार हम लोगों को टैकल करना है जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उस सिचुएशन में। अब उससे पहले नेगेटिव मार्किंग की यदि बात करें तो यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि 1/4 ऑफ द मार्क्स आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखा है पेनल्टी के रूप में यदि आप लोग किसी भी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो। अब देखो पोर्शन हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कहां कहां से प्रश्न आने हैं। सबसे पहले आप लोग देखोगे रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ओनली 5 मार्क्स के, बाकी जो सारे क्वेश्चन है वह प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो सबसे पहले आप लोगों को ना तो रीजनिंग एबिलिटी को देखना है, ना ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को देखना है, ना ही जनरल अवेयरनेस को देखना है। सबसे पहले जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, जो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन है प्रोफेशनल नॉलेज, यहां पर फोकस करना है। आखिर उसका रीजन क्या है, देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप लोगों के ट्रेड थ्योरी के जो क्वेश्चन है वह टाइम काफी कम लेने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है उसका इमीडिएटली आंसर दे पाओगे और जिसका नहीं आ रहा है उसको स्किप करके
करके आप लोगों को आगे बढ़ना है। उस टाइम पर आप लोगों को कोई भी तुक्का नहीं मारना है, कोई भी अंदाजा लगा के आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन पेपर हल करने का तरीका यही है, सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को हल करना है कि जो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियरली आ रहा है, जिसका आंसर कंफर्म आपको पता है कि ये मेरे 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन है, इसमें से ये डेफिनेटली करेक्ट है, मैं यहां पर श्योर हूं। उससे बेसिकली क्या होगा, मान के चलिए 75 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए और वहां पर आपको लग रहा है कि 70 क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हो रहे हैं या 65 क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हो रहे हैं, वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगी और वहां पर जो आपका फोकस है ना और ज्यादा शार्प हो जाएगा क्वेश्चन को हल करने का, क्वेश्चन को समझने का, देन उसके बाद आंसर देने का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब आप लोग अनादर पोर्शन पर जंप करोगे जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, अब यहां पर चीजों को समझने की और ज्यादा आवश्यकता है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यहां पर भी आप लोग अच्छे क्वेश्चन करेक्ट कर पाओ। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, बेसिक मैथमेटिक्स बेसिकली रहेगा, तो यहां पर भी चांसेस हो जाएगा कि आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ। एंड जनरल अवेयरनेस भी एक ऐसा टॉपिक है कि जहां पर आपको यदि उसके बारे में जानकारी है, पता है, तो डेफिनेटली उसका आप लोग करेक्ट आंसर लगा पाओगे। तो यहां पर मेन फोकस क्या करना है, देखो नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि यदि आप लोग 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं और 4 क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे रहे हो, उन 4 से यदि 2 करेक्ट करते हो तो भाई दैट ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पॉजिटिव में निकल जाओगे। लेकिन वहां पर यदि 1 करेक्ट कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग आप लोगों का वो मार्क्स लेकर चला जाएगा, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तो हर कोई क्वेश्चन का आंसर में आप लोगों को तुक्का नहीं मारना है। जैसे कि मान के चलिए टोटल 100 प्रश्न है आपके, उस 100 प्रश्न में से आपको पता है कि सर मैंने 85 प्रश्न जो है ना वो मैं करेक्ट करके आया हूं फॉर श्योर, इसका मुझे नॉलेज है, ये मैं करेक्ट करके आया हूं। लेकिन अनादर जो 15 प्रश्न है उसमें मुझे डाउट है। अब इन 15 प्रश्न को किस प्रकार टैकल कर रहा है कौन सा स्टूडेंट्स, उसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो यहां पर क्या है ना, आपको चूज करना है कैसे क्वेश्चन, जैसे कि आपको लग रहा है कि भैया एक प्रश्न है कोई मैथमेटिक्स का प्रश्न है, उस प्रश्न में आप लोगों ने देखा कि इस प्रश्न को मैंने समझा और यहां पर मैं इस कैलकुलेशन पर निकल आया हूं कि किसी भी सिनेरियो में ए ऑप्शन नहीं हो सकता है, सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आपको ये चीज पता है कि 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं ऐसी सिनेरियो में, अब आपके पास में अनादर 2 और 3 ऑप्शन बचते हैं, तो वहां पर आप लोग जा सकते हो कि हाँ मैं वहां पर टिक करूं, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी आपकी 50% हो जाती है और वहां पर चांसेस है कि उस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर दे रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि इसी क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर दे पाओगे, क्योंकि अभी भी 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन में आप लोग श्योर नहीं हो, हो सकता है गलत आंसर को आप लोग टिक करके आ जाओ। तो ऐसे प्रश्न यदि 5 हैं आपके, राइट, आपने 10 प्रश्न को किया स्किप, लेकिन 5 प्रश्न ऐसे आप लोग निकाल लेते हो जहां पर आप लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच जा रहे हो कि एक कुछ ऑप्शन को आपने एलिमिनेट कर दिया। तो ऐसे सिनेरियो में यदि आप लोग 5 क्वेश्चन को करेक्ट, 5 क्वेश्चन में यदि आप लोग आंसर टिक करते हो, तो वहां पर चांसेस है कि आप लोग 3 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट करके आओ, तो वहां पर भी आपके मार्क्स पॉजिटिव निकल रहे हैं, ना कि नेगेटिव में जा रहे हैं, क्योंकि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इस चीज को समझ पा रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि भैया 50 क्वेश्चन तो सर मेरे करेक्ट आ रहे हैं लेकिन 50 क्वेश्चन का मुझे पता ही नहीं है, अब मैं 50 क्वेश्चन का तुक्का लगा दूं, तो सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं होना है। कंपटीशन इतना है कि जब तक आप लोग 100 क्वेश्चन में से लगभग 75-80 क्वेश्चन करेक्ट नहीं कर रहे हो, वहां पर आपके कोई चांसेस नहीं है कि आप लोग मेरिट में आ पाओ। तो इस चीज को अपने अंदर क्लियरली बैठा लो। यदि आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन है कि आप लोग 75-80-85 क्वेश्चन करेक्ट करके आ पा रहे हो, यानी कि आप एक अच्छे पोजीशन पर हो, डेफिनेटली आपकी जॉब अभी नहीं तो आने वाले 1-2 एग्जाम में डेफिनेटली लग जाएगी यदि आप लोग उसी रफ्तार से मेहनत करते रहे। तो इन चीजों को विशेष ध्यान रखिएगा। तो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी सर दुर्गापुर स्टील प्लांट का, जो पूरा का पूरा किस प्रकार एग्जाम वगैरह को अटेम्प्ट करें, उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा एक वीडियो बनाओ। सो आई होप, मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हेल्प मिली होगी और इन चीजों को आप लोग समझ पाए होंगे और इनको अपने एग्जाम हॉल में इंप्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, ISRO, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन की, इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।